नमस्कार, जय भोलेनाथ। जैसा कि आप लोग वीडियो के जो थंबनेल है और उसका जो टाइटल वगैरह से आप लोग देख के जान गए होंगे कि आज का वीडियो किस टॉपिक पे है। आज का वीडियो मैंने बनाया है केदारनाथ यात्रा से संबंधित है ये वीडियो। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि केदारनाथ धाम की यात्रा शुरू हो चुकी है और बहुत सारे भक्त जो हैं, केदार बाबा के भक्त हैं, जो भोलेनाथ के भक्त हैं, वो केदारनाथ यात्रा पर जा रहे हैं और जाना चाहते हैं। तो मैं ये वीडियो उन लोगों के लिए बना रहा हूँ जो केदारनाथ जाना चाहते हैं लेकिन कुछ संशय है, कुछ जानकारी चाहिए उनको, तो उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगे। मैं भी केदारनाथ जा रहा हूँ। 30 मई को मैं केदार बाबा का दर्शन करूँगा, 30 मई को। और उसके आने के बाद मैं एक विस्तृत वीडियो बनाऊँगा जिसमें मैं आप लोगों को जानकारी दूँगा कि केदारनाथ धाम मैं कैसे गया और उसका टोटल विवरण मैं आप लोग को दूंगा। और उसका वीडियो भी आप लोग को दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से वहाँ पे गया और मैंने कहाँ पे स्टे किया और कितना खर्चा है वगैरह। तो जैसा आज का वीडियो का है कि मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे सकूँ कि आप कैसे जाएँ। उसके बाद मैं रिटर्न में जो मैं वीडियो बनाऊँगा और वो वीडियो मैं आपको बताऊँगा कि मैं किस तरह से गया, मैं अपने यात्रा विवरण उस पर दूँगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो बता दूं कि केदारनाथ धाम जो है उसके लिए डायरेक्ट कोई ट्रेन वगैरह नहीं है वहाँ पे जाने के लिए। तो आपको सबसे पहले बता दूं कि केदारनाथ जाने के लिए जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन है ऋषिकेश है और हरिद्वार है। तो ऋषिकेश पे अधिकतर गाड़ियाँ जो है वहाँ नहीं चल जाती है, तो अगर आप हरिद्वार आ जाए तो बहुत ही अच्छा होगा। आप चाहें तो दिल्ली से भी बस के माध्यम से सीधे केदारनाथ यात्रा के लिए रवाना हो सकते हैं, ठीक है। तो ये लेकिन बस से आपको लंबा सफ़र पड़ेगा, इसलिए मेरी एडवाइस है कि आप केदारनाथ जाने अगर आप चाहते हैं तो हरिद्वार पहुंच जाएं। आप हरिद्वार के लिए आपको बहुत सारी आपको ट्रेनें मिल जाएंगी आपको दिल्ली से। अगर आपके शहर से हरिद्वार के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं है तो आप दिल्ली आ जाएं और दिल्ली से आपको बहुत सारी ट्रेनें वगैरह वहाँ पर मिल जाती हैं। और अगर आपको ट्रेन में अगर आप रिजर्वेशन कराना चाहते हैं, अगर रिजर्वेशन सीट नहीं मिली है, तो आप वहाँ से बस से भी आप हरिद्वार आ सकते हैं। ऐसे बता दूँ आप लोगों को जानकारी के लिए कि उत्तराखंड रोडवेज की जो बसें हैं वो दिल्ली से डायरेक्ट ये केदारनाथ यात्रा के लिए भी चलाई जा रही हैं। तो आप वहाँ से भी डायरेक्ट बस पकड़ सकते हैं, ठीक है। आप वहाँ पर दिल्ली पे आके आप वहाँ पर जानकारी ले लें कि आपको अधिकतर जो बसें हैं वो रात में खुलती हैं, आप वहाँ से जानकारी ले सकते हैं। तो अब मैं बता दूं कि आप जब हरिद्वार पहुंच जाएं तो हरिद्वार पहुंचने के बाद आप हरिद्वार बस स्टैंड से या फिर ऋषिकेश के बस स्टैंड से उत्तराखंड ये के लिए आप बस मिल जाएगी आपको केदारनाथ जाने के लिए। तो केदारनाथ तक तो डायरेक्ट बस आपको जाती नहीं है, तो आपको सोनप्रयाग उतरना होगा बस से या फिर आप अपना जो गाड़ी अगर आप करना चाहते हैं तो वहाँ पर गाड़ी अवेलेबल है, आपको मिल जाती है गाड़ियाँ, लेकिन उसका कॉस्ट कुछ ज़्यादा पड़ता है। तो आप वहाँ पे जाके पता कर लें कि आपको कौन सा सूटेबल होगा आपके बजट के हिसाब से या आप आराम के हिसाब से, जैसा आप चाहते हैं उस हिसाब से आप वहाँ पे अपना देख लें, वहाँ पे पता कर लें। ऐसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि बस से आप जा सकते हैं, वहाँ पे सबसे चीप बस ही मिलता है। और अगर आप चाहें तो गाड़ी बुक करके, अपना पर्सनल गाड़ी बुक करके आप जा सकते हैं। तो इसमें आपको 3,500 से लेके 8-9-10 हज़ार तक आपका कॉस्ट पड़ सकता है गाड़ी के हिसाब से और आपके पर्सन के हिसाब से। तो बस से भी आप जा सकते हैं, हरिद्वार बस स्टैंड पर बसें मिल जाती हैं और ये सुबह 4 बजे से ये बसें चालू हो जाती हैं। और ऋषिकेश बस स्टैंड से भी बसें मिलती हैं। तो आपको बस के माध्यम से जब आप जाएंगे या किसी व्हीकल के माध्यम से जब जाएंगे तो आपको सोनप्रयाग तक आपको जाना होगा। सोनप्रयाग पर आपको वहाँ पर उतरना होगा और वहाँ से फिर आपको गौरीकुंड के लिए आपको पैदल कुछ कुछ मीटर कुछ आपको पैदल चलने के बाद वहाँ से आपको गौरीकुंड के लिए गाड़ियाँ मिलती है, शेयर गाड़ियाँ। वहाँ पे एक व्यक्ति का कॉस्ट आपको 20 रुपये पड़ेगा जो आपको गौरीकुंड तक पहुँचा देगा। आप वहाँ पे स्टे कर सकते हैं। अगर आपको रात हो गई है तो आप वहाँ पर स्टे कर लीजिए। गौरीकुंड में भी स्टे कर सकते हैं और सोनप्रयाग में भी आप स्टे कर सकते हैं। अगर आप लेट से निकले हैं तो आप रुद्रप्रयाग उत्तरकाशी में भी आप स्टे कर सकते हैं, नाइट होल्ड कर सकते हैं। तो अधिकतर जो व्यक्ति हैं अगर सुबह सुबह हरिद्वार से निकलते हैं तो वे सोनप्रयाग पहुँच जा के स्टे करते हैं या फिर गौरीकुंड में जाके स्टे करते हैं। सोनप्रयाग गौरीकुंड दोनों जगह रुकने के लिए व्यवस्था है, वहाँ पर आप रुक सकते हैं। आपको एक जानकारी और दे दूँ कि केदारनाथ की यात्रा के लिए या फिर चार धाम की किसी भी यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। बिना रजिस्ट्रेशन के आप
जो परमिट मिलता है उसके बगैर आप वहाँ पे नहीं जा सकते हैं, यात्रा की मंजूरी आपको नहीं मिलती है। तो रजिस्ट्रेशन काउंटर आपको हरिद्वार स्टेशन के पास, ऋषिकेश बस स्टैंड के पास और बीच में और जो रास्ते मिलेंगे वहाँ पर भी बहुत जगह है ये, और उसके बाद ये सोन प्रयाग में ये है। तो अधिकतर लोग अगर आप हरिद्वार से निकल रहे हैं तो हरिद्वार में आप पता कर लें, स्टेशन के पास ही रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। या फिर आप सोन प्रयाग पहुँचने के बाद वहाँ पर भी जाके आप अपना खुद का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना जो पर्सनल आईडी है, अगर हो सके तो आधार कार्ड जरूर रखें, क्योंकि इससे रजिस्ट्रेशन में आपको सुविधा होगी। रजिस्ट्रेशन निःशुल्क होता है और वहाँ पर हेल्थ चेकअप वगैरह भी किया जाता है, तो आप वहाँ पर करवा लें और अपना एक यात्रा परमिट जो मिलता है वो आप बनवा लें वहाँ पर सोन प्रयाग में, हरिद्वार पर या ऋषिकेश पर, जहाँ पर आपको सुविधा हो आप वहाँ पर बनवा सकते हैं। उसके बाद आप सोन प्रयाग में स्टे कर सकते हैं उस रात को, और या फिर गौरीकुंड में स्टे कर सकते हैं। उसके बाद आप अर्ली मॉर्निंग आप वहाँ से आपको ट्रैकिंग करना पड़ेगा, ये 18 किलोमीटर की ट्रैकिंग होती है, ये गौरीकुंड से शुरू होती है और आपको केदारनाथ मंदिर तक ये जाती है। तो आप इसको आपको पैदल चलना पड़ेगा, या आप चाहें तो घोड़े खच्चर वगैरह का सहारा ले सकते हैं, वहाँ पर मिलते हैं घोड़े खच्चर वगैरह सारे मिलते हैं, पालकी की व्यवस्था रहती है, तो आप इनमें से किसी भी साधन का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पैदल जाना चाहें तो आपसे आप मैं एडवाइस दूंगा कि अपना कम से कम सामान ही अपने साथ लेके जाएं, कम ही सामान लेके जाएं, और एक बांस के डंडा मिलता है नीचे 20-30 रुपए में, वो आप एक ले लें, इससे आपको चढ़ाने में सुविधा मिलेगी। और उसके बाद जब वहाँ से आप पैदल चलते हैं तो सुबह कोशिश करें कि सुबह जल्दी निकलें, अगर आप उसी दिन अगर रिटर्निंग आना चाहते हैं तो बहुत जल्दी ही आप निकलने की कोशिश करें, और अगर आपको चलने में कोई दिक्कत हो रही है तो आप घोड़े पालकी खच्चर वगैरह की आप सुविधा वहाँ पे है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप वहाँ पे जब ये जो चढ़ाई है वो आपके ऊपर निर्भर करती है आप कितने देर में पहुँचते हैं, अमूमन 5 से 6 घंटे या 7-8 घंटे लगते हैं वहाँ पर केदारनाथ मंदिर तक पहुँचने के लिए। रास्ते में आपको खाने पीने की व्यवस्था है, बीच बीच में आपको मिल जाएंगे, मेडिकल की सुविधाएँ मिलती है, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपको बता दूं कि वहाँ पे अभी ठंड है, जैसे कि जानकारी मिल रही है वहाँ के वेदर के हिसाब से, वहाँ पे अभी बहुत ठंड है, बर्फ़ पड़ी हुई है, तो अपने साथ आप जैकेट वगैरह ले सकते हैं, रेनकोट वगैरह ले सकते हैं, ये व्यवस्था आप करके चले, ठीक है। और कुछ खाने पीने की हल्की फुल्की सामग्री, ड्राई फ्रूट वगैरह आप ले सकते हैं, ऐसे रास्ते में खाने पीने की व्यवस्था है, और मंदिर के पास भी आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी आप अपनी सहूलियत के लिए कुछ ड्राई फ्रूट और कुछ नाश्ते वगैरह अपने बैग में हल्का फुल्का रख सकते हैं। केदारनाथ मंदिर पहुंचने के बाद आप वहां पर भगवान का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर 2:30 बजे से लेकर 5 बजे तक बंद रहता है, तो आप वहां पर कोशिश करें कि आप 2:30 बजे से पहले पहुँच जाएँ और दर्शन करके, अगर आप उसी दिन रिटर्न आना चाहते हैं तो रिटर्न आ सकते हैं, लेकिन अगर आप सेम डे रिटर्न आना चाहते हैं तो मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि आप नीचे जो गौरीकुंड या सोन प्रयाग में आपने जो स्टे किया था रात का, उस रूम को आप खाली ना करें, और वहाँ पे आप बोल के आएँ कि मैं रिटर्निंग रात में यहाँ पे होल्ड करूँगा, क्योंकि आपको रिटर्निंग आते आते रात हो जाएगी और वहाँ से आपको फिर किसी तरह का कोई साधन नहीं मिलेगा वापस हरिद्वार आने के लिए, तो आप वहाँ पर रात में होल्ड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ऊपर आप केदारनाथ मंदिर के पास आप स्टे कर सकते हैं रात में, और वहाँ पे रात में जो भव्य आरती होती है शाम को केदारनाथ बाबा की, और मंदिर की जो शोभा दिखती है वो उसका आप आनंद ले सकते हैं, उसका दर्शन कर सकते हैं, बाबा की आरती ले देख सकते हैं, और सवेरे आप फिर बाबा का दर्शन करने के पश्चात आप वहाँ से रिटर्न हो सकते हैं। तो इस तरह से आप केदारनाथ बाबा का दर्शन बहुत आसानी से कर सकते हैं और बहुत अच्छी है, ऊपर में रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर में रुकने के लिए बहुत सारी व्यवस्था है, आप बेस मंदिर से 1 किलोमीटर दूर बेस कैंप में भी आप रुक सकते हैं, वहाँ पे सरकारी टेंट वगैरह है वहाँ पे रिजॉर्ट वगैरह है, आप चाहें तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। गढ़वाल मंडल विकास निगम लिमिटेड की जो वेबसाइट है, मैं इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से जाके अपने लिए बुक कर सकते हैं, और नहीं तो फिर वहां पे जाके भी आप बुकिंग कर सकते हैं, वहां पे रुकने की कोई दिक्कत नहीं है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, आप जाके वहां देख सकते हैं। और वहां पे खाने पीने की भी कोई व्यवस्था बहुत अच्छी है, खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं है, और वहां पे रिजनेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगी, सरकारी भी रेस्टोरेंट है, अन्नपूर्णा रेस्टोरेंट है, और उसके बाद आपको प्राइवेट रेस्टोरेंट वगैरह सब भी हैं, तो वहां से पे जाके आप
आनंद ले सकते हैं। बाबा का दर्शन करने के बाद आप चाहें तो 1 किलोमीटर ऊपर और भैरव बाबा का है, वहाँ पे आप भैरव बाबा का दर्शन कर सकते हैं। और इस तरह से ये केदारनाथ यात्रा का ये वीडियो मैंने बनाया है, आशा है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। वैसे मैं 30 मई को, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि 30 मई को मैं सपरिवार केदारनाथ यात्रा पर जा रहा हूँ और 30 मई को मैं बाबा का दर्शन करूँगा। उसके बाद रिटर्निंग में जब आऊँगा तो मैं एक फुल वीडियो इस टॉपिक पे बनाऊँगा और पूरा यात्रा का विवरण मैंने उसमें दूंगा कि मैं कहाँ पे रुका, कौन से बस से गया या कौन सा गाड़ी मैंने बुक किया, उसका कॉस्ट कितना लगा, उसका बाबा का दर्शन का क्या वहाँ पर व्यवस्था है, सारा जानकारी आप लोग को जब मैं रिटर्न आऊँगा वहाँ से दर्शन करके तो आप लोग को दूँगा। और इस जानकारी को मैंने अपने वेबसाइट पर भी पब्लिश किया है, तो आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसको देख सकते हैं। ठीक है, वीडियो देखने के लिए आप लोग का धन्यवाद। जय बाबा केदार, जय बाबा भोलेनाथ।